आयुर्वेद का एक सूक्त है, गोमेवस्ति लक्ष्मी गौमूत्रे धनोन्तरी। हमारी गौ माता का गोमय साक्षात लक्ष्मी है और गौमूत्र साक्षात धनवंतरी देव है। धनवंतरी की व्याख्या औषध विज्ञान के देव के रूप में की गई है, अर्थात गौमूत्र में साक्षात धनवंतरी का निवास है, यानी गौमूत्र साक्षात सभी वनस्पतियों के देव तुल्य हैं। गौमय वस्ती लक्ष्मी, गौमय की तुलना लक्ष्मी से की गई है। आज के समय में लक्ष्मी प्राण वायु को हम कह सकते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। भोजन के बिना हमारा जीवन कई दिनों, कई महीनों और कई वर्षों तक चल सकता है। जल के बिना भी हम लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन प्राण वायु के बिना एक मिनट भी रहना मुश्किल है। इसलिए जो सबसे दुर्लभ है धरती पर, वही लक्ष्मी है। और आज सबसे ज्यादा दुर्लभ प्राण वायु है, ऑक्सीजन है। अर्थात आज के समय में ऑक्सीजन ही लक्ष्मी है। और लक्ष्मी कहाँ निवास करते हैं? गोमय में निवास करते हैं, गाय के गोबर में निवास करते हैं। इसलिए हमने गौ माता के गोबर का रासायनिक विश्लेषण करके देखा, ताजा गोबर में 23% से अधिक ऑक्सीजन है। इसलिए वेद सत्य कहते हैं, गोमय वस्ती लक्ष्मी, गोबर साक्षात लक्ष्मी है, यानी गोबर साक्षात प्राण वायु का भंडार है। इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम गोमय से निर्मित भस्म का सेवन करते हैं। यहां तक कि भारत देश के नागा साधु इसी ऑक्सीजन रूपी भस्म को अपने शरीर में लगाकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। आज हमें अपने जीवन को बचाना है तो भगवान शिव की तरह फिर से भस्म का वरण करना होगा।